मेरे साथ इस वक्त दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, अंकित हमारे साथ हैं, साथ ही प्रशांत मेरे साथ हैं। लेकिन अंकित, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। कल तो विपक्ष ने जिस तरीके से जोरदार हमला बोला, उसका पलटवार इस तरीके से कि पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष तो भाग रहा है, और योगी जी ने तो यहां तक कह दिया कि पहले भी जनता ने आपको जवाब दिया था और अब भी। श्रीन, जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें हमको ये चीज ध्यान में रखनी होगी, सुबह जो बात प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक के दौरान कही थी, यानी कि विपक्ष की नकारात्मक राजनीति का जिक्र किया था, कमोवेश उसी बात को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री योगी ने भी यही कहा कि विपक्ष की नकारात्मक राजनीति है और उसी वजह से संसद की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। यहां तक कि जो जनहित के मुद्दे हैं, चाहे वो कोरोना पर चर्चा की बात हो, किसानों पर चर्चा की बात हो, या फिर उसके अलावा महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की बात हो, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा करना ही नहीं चाहता, वो तो सिर्फ हंगामा करना चाहता है। कमोवेश यही बात प्रधानमंत्री ने आज सुबह जब संसदीय दल की बैठक हुई थी, जो बीजेपी के सांसद वहां पर मौजूद थे, उनको यही कहा था कि आपको जनता को बताना होगा कि सरकार ऐसा नहीं है कि भाग रही है, सरकार चर्चा करना चाहती है, लेकिन विपक्षी इस तरीके की राजनीति करके वो हंगामा करके वो चर्चा कर ही नहीं रहा। श्रीन, एक बात और जोड़ना चाहूंगा। हाँ। कल जब संसद सत्र की शुरुआत हुई थी, तब भी प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया था कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते विपक्ष शांति के माहौल में चर्चा करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कल भी जो है काफी हंगामा हुआ और आज सुबह से भी काफी हंगामा हुआ है संसद के दोनों सदनों में। प्रशांत भी मेरे साथ हैं। प्रशांत, यानी अब ये तो आर पार के मूड में है सरकार भी और विपक्ष भी। बिल्कुल, देखिए शरीन, कल जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी, उस वक्त कल आपने देखा था कि विपक्ष की ओर से कहा गया था कि दो तीन बड़े मुद्दे हैं जिनको वो उठाना चाहते हैं, और कल उसी के बारे में यहाँ चर्चा शुरू हुई थी, चाहे वो कृषि कानूनों का मामला हो या महंगाई का मामला हो या कोरोना और वैक्सीन, सरकार की जो वैक्सीन नीति है उसको लेकर विपक्ष ने कहा था कि वो सरकार से सवाल पूछना चाहती है, सरकार को घेरना चाहती है। लेकिन कल जब से ये मुद्दा आया, खासकर राहुल गांधी का जब इसमें नाम आया है और तृणमूल कांग्रेस से अभिषेक बनर्जी का नाम तब जब से आया है, तब से विपक्ष का जो एक तरह से पोस्ट है जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल बदल गया है। और विपक्ष ने अब ये साफ कर दिया है कि इस मसले पर अब वो सरकार से जवाब चाहती है। कल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अमित शाह का इस्तीफा दे, प्रधान इस पर जांच बैठाई जाए। आज भी कांग्रेस की ओर से और तमाम विपक्षी दलों की ओर से कहा गया है, इस मुद्दे को पूरी तरीके से भारी विपक्ष पर दिखाई दी, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री तक यही कह रहे हैं कि दरअसल ये तो साजिश का हिस्सा है, सुनना ही नहीं चाहता है विपक्ष। ABP News आपको रखे आगे।